हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और इजीली बन भी जाता है। तो चलिए इसका रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। थोड़ा मेरे पास कल की बची हुई चावल है, ये खुशबू वाली चावल जो होती है वो वाली चावल है। हम इसी का फ्राइड राइस बनाएंगे। और आप अलग से फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो चावल को 80% कुक करके आप ठंडा कर लें, उसके बाद आप फ्राइड राइस बना सकते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हम गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और बीन को चाकू से छोटा छोटा पीस में काट कर लिया है। और इसके साथ ही हम एक बड़ा साइज को प्याज को काटे हैं और थोड़ा कॉर्न और मटर को हमने यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे अपना पसंद का कोई भी सब्जी ले सकते हैं। एक कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी और ऑयल को डाला है। इसमें जीरा और सूखे मिर्च का फोरन डालेंगे, इसको अच्छे से फूटने देंगे। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक को डालेंगे, इसको 1 से 1.5 मिनट हल्का भूनेंगे। फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखेंगे। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट अदरक लहसुन को हमने भून लिया है। उसके बाद इसमें एक प्याज को हमने ऐड किया है और इसे भी हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखना है। फ्राइड राइस में सब्जियाँ का क्रंच बना रहता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए प्याज को गुलाबी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट में प्याज देखिए हल्का गुलाबी हो गया है। तो यहाँ पे हार्ड वाली सब्जी जैसे गाजर और बीन को हम यहाँ पे पहले डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम में भून लेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट में बीन और गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा सा श्रिंक भी हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। इस तरह से बहुत सारे सब्जियाँ डाल के आप फ्राइड राइस बनाते हैं तो बच्चे फ्राइड राइस खा भी लेते हैं और सब्जियाँ खाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसी स्टेज में हम 3-4 हरी मिर्च को काट कर ऐड किया है और बची हुई चावल जो रहता है वो ऐसे रात को कोई खाना नहीं चाहता है। और इस तरह से अगर आप फ्राई कर देते हैं तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं और चावल भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए सभी सब्जियां भून गई है। तो मटर और कॉर्न को हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे। फ्रोजन मटर और कॉर्न है तो इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा विनीगर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक डालेंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच गोलकी पाउडर। गोलकी पाउडर से फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट इसको भून लेंगे। अगर आपके पास एरोमेट पाउडर या एजिनोमोटो है तो थोड़ा सा इसी स्टेज पर डाल सकते हैं। इससे फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है रेस्टोरेंट जैसा, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। उसके बाद चावल को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चावल को नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। बैचलर बच्चे बाहर रहते हैं, अलग अलग चावल सब्जी बनाना मुश्किल होता है, तो चावल बना के वो इजीली 10 मिनट में इस तरह से फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, फ्राइड राइस बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, फ्राइड राइस सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप दही, रायता, कोई भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, देखते ही खाने को मन करेगा। अगर आपको सिंपल इजी फ्राइड राइस का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।